अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अम्मे वाजिद, 7H न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। रविंद्र भारती में अंबेडकर आइडियाज़ नामी किताब की रस्म इजराई के मौके पर कांग्रेस पार्टी के सीनियर कायद जयपाल रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा है कि नौजवान आजकल किताबों को पढ़ने से दूर भागने लगे हैं। क्या है ये मामला, ये जानने के लिए देखिए 7H की ये रिपोर्ट। बाबा साहब अंबेडकर जो कि हिंदुस्तानी दस्तूर के मेमार हैं और उन पर अब तक दर्जनों किताबें लिखी जा चुकी हैं। कांग्रेस पार्टी के सीनियर कायद जयपाल रेड्डी ने रविंद्र भारती में मुनक्कद की गई एक तकरीब में शिरकत की, जहां अंबेडकर आइडियल नामी किताब की रस्म इजराई अमल में लाई गई। दरअसल हमारा ताल्लुक किताबों से हमेशा रहा है। इस बात को अगर यूं कहा जाए तो भेजा ना होगा कि दुनिया भर में किताबों ने बरसों हुक्मरानी की है, जो कि इंसान की ज़िंदगी बनाने से लेकर तारीख के पहलुओं को जानने में ये किताबें अहम रोल अदा करती रहीं। इस तकरीब में जयपाल रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा है कि आजकल नौजवान नस्ल किताबों से दूर भागने लगी है, वरना कभी तन्हाई में यही किताबें इंसान की दोस्त हुआ करती थीं। तरक्की याफ्ता आज के ज़माने में तलबा और तालिबात को जदीद टेक्नोलॉजी के अलावा किताबों से दोस्ती भी करनी चाहिए, ताकि उनकी काबिलियत में इजाफा हो सके। अंबेडकर गारु मेधाविगा मन भारत देश शताब्दी आयन को मेधावी अंबेडकर गारु विश्लेषण पद्धति गांधी गारिदी अलौकिक नैतिक पद्धति కానీ వాళ్ళిద్దరూ ఒకే ఆదర్శం కొరకు పోరాడారు. కానీ ఆ ఇద్దరి ఆదర్శాలను వ్యతిరేకించే శక్తులు ముందుకు వస్తున్నాయన్న సామాజిక న్యాయము, వెనకబడిన కులాలు, దళితుల గురించి, మిగతా మైనారిటీల గురించి వారికి కావాల్సినటువంటి సంఖ్యాపరం న్యాయం కలిగించాలా, ఏ పద్ధతి అనేది విషయం వేరు. हमारी न्यूज़ आपको कैसी लगी, यकीनन पसंद आई होगी। फिर देर किस बात की, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।